गया जिले के बेलागंज थाना अंतर्गत पिपरा गांव निवासी निरंजन वर्मा को जमीन का पैसा लेन देन को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल भेज दिया है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए कांड में संलिप्त अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है। वहीं पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल शंकर सिंह को उसके घर से गिरफ्तार किया है। उसके निशानदेही पर ही छापेमारी कर दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नंबर लड़कियां संध्या बेलागंज थाना अंतर्गत पिपरा ग्राम में सूचना मिली कि एक आदमी की गोली मार के हत्या कर दी गई है। तत्क्षण जो है कि स्थानीय थाना और वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पे पहुंच गए और शीघ्र ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना में प्रयुक्त हथियार और खोखा को बरामद किया गया है और शेष अनुसंधान जारी है। मुख्य आरोपी हैं लेकिन अभी बताना उचित नहीं है क्योंकि अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हथियार कहाँ से बरामद किए? घर से बरामद। किसके घर से? मुख्य आरोपी के घर से। तो ये अवैध हथियार है? अभी इसकी जाँच पड़ताल की जा रही है।